जो अगर तेजी से आपको पंप हो रही है अगर आपकी आर्टरी, तो आपको उसी से पता लग जाएगा कि हाँ आपका फ्लो बहुत तेज आ रहा है। यानी कि अगर ज्यादा पंप हो रही है तो यानी पेशेंट हाइपरटेंशन में जा रहा है धीरे धीरे। अगर बहुत हल्का बीट सुनाई दे रहा है, बहुत डीप उंगली आपने मारी दबा के रखा, तब आपको महसूस हुई पल्स, यानी कि हाइपरटेंशन में है और पेशेंट की पल्स भी डाउन चल रही है इसका। और ऐसे ही आपको रिदम को भी चेक करना है, ठीक है? समझ में आया सबको? तो ये मॉनिटरिंग चलती रहेगी साथ साथ। लैरिंगोस्कोप तैयार कर दिया है आपका, जो एनेस्थेटिस वहां पे अवेलेबल होगा वो क्या करेगा, अब जैसे ही फेस मास्क हटाया और फेस मास्क हटाने के बाद आपका क्या काम होगा, टाइम पैनल पे टाइमर स्टॉपवॉच को ऑन कर दिया, 30-40 सेकंड है क्योंकि आपके पास नेक्स्ट, और वो 30-40 सेकंड के अंदर आपको इंटीग्रेट भी करना है, ठीक है? जैसे ही टाइमर ऑन कर दोगे आपका एनेस्थेटिस आपके दूसरे साथी को बोलेगा भाई टाइमर ऑन कर दो। टाइमर ऑन किया, इससे पता लग जाएगा स्पॉलिन जा चुका है बॉडी के अंदर।